अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन सी प्रोग्राम। इसके इसमें फंक्शन फू को आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, जस्ट डबल पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर। इसके इसमें स्टैक डायग्राम क्रिएट ना करके सिंपल ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करूँ, जिससे आपके लिए एग्जाम्पल इजीली समझना पॉसिबल हो। मैं इस मेन फंक्शन और फू फंक्शन के लिए मैं सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे अगेन फ्रॉम मेन फंक्शन, देन मेन के अंदर जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देर आर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन आई एंड पी। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर हुआ, देन मेन फंक्शन के केस में मेमोरी किसके लिए एलोकेट हो रहा है, दिस इज द मेमोरी ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन इनसाइड स्टैक। आप एज्यूम कर सकते हो स्टैक डायग्राम, यानी इसके अंदर एलोकेशन किसके लिए, वेरिएबल आई एंड वेरिएबल पी। सपोज दैट अगर आई का एड्रेस 100 है, देन पी का एड्रेस क्या होगा, 98। आई के केस में इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड किया 97, प्लस पी के अंदर क्या असाइन हो रहा है, एड्रेस ऑफ आई, असाइनमेंट ओनली पी में हो रहा है न कि स्टार पी में। देन आई का एड्रेस क्या है 100, इसलिए करंटली पी पॉइंट किसको करेगा, लोकेशन आई, लोकेशन आई के रिस्पेक्ट में इसका एक और नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी। क्लियर, इसे स्टार पॉइंटर के रिस्पेक्ट में ऑलवेज टू लोकेशन क्रिएट होते हैं, पी एंड स्टार पी इन केस ऑफ सिंगल पॉइंटर। अगर आप डबल पॉइंटर यूज करें, टोटल थ्री लॉजिकल प्लेसेस होंगे, पी स्टार पी एंड स्टार स्टार पी। क्लियर, तो करेंटली पी क्या था, सिंगल पॉइंटर। नेक्स्ट में कॉल हो रहा है इसके फू फंक्शन, फू फंक्शन के अंदर आपने एड्रेस किसका पास किया, प्रिमिटिव वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल। मीन्स यहाँ एड्रेस किसका पास हो रहा है, पी का, पी ऑलरेडी पॉइंटर है, देन पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, डबल पॉइंटर। पी का एड्रेस क्या डायग्राम में 98, इसलिए इसके साथ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं फू फंक्शन का आर्गुमेंट टाइप क्या है, डबल पॉइंटर, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस किसका साइन हो रहा है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल 98। जैसे इस केस में फू फंक्शन कॉल होगा, फू के अंदर अगेन टू वेरिएबल्स हैं पी एंड जे, देन स्टैक के टॉप में मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा, लोकल वेरिएबल ऑफ द फू फंक्शन। देन फू फंक्शन के केसेस में वेरिएबल क्या है, पी, पी का टाइप क्या है, पी इज अ डबल पॉइंटर, प्लस पी के केस में वैल्यू क्या असाइन हो रहा है, एड्रेस क्या पास हुआ है 98, इसको मैं मेमोरी एड्रेस असाइन करना है 96। इसके अलावा इंटरनली एक और वेरिएबल क्रिएट होगा एज अ जे, मेमोरी एड्रेस है 94, प्लस जे में क्या असाइन हो रहा है, वैल्यू है 2। क्लियर, नेक्स्ट वन, इस पी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, पी का टाइप क्या है, इसके इसमें डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, तो इसके इसमें टोटल थ्री लोकेशन होंगे, पी स्टार पी एंड स्टार स्टार पी, पी स्टार पी एंड स्टार स्टार पी। पी आपको ऑलरेडी विजिबल है, स्टार पी की बात करें तो सिंपली पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस कराओ, पी का वैल्यू क्या है 98। वन मोर थिंग्स, इस प्लेस का एड्रेस क्या है 100, इसलिए एक और नेम क्या होगा, समथिंग स्टार 100। इस प्लेस का एड्रेस 98 है, इसलिए अदर नेम क्या हुआ, स्टार 98। सेम इन दैट केस स्टार 96, स्टार 94, जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हो। फाइनली स्टार पी के केस में पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या 98। तो इसका मतलब स्टार पी किसके इक्विवेलेंट है, स्टार 98 के। स्टार 98 कौन सा लोकेशन है, दैट वन। इस लोकेशन का एक और नेम क्या है, स्टार पी, लेकिन स्टार पी कौन सा है, दैट वन। क्लियर, नेक्स्ट में स्टार स्टार पी के केस बात करें, स्टार स्टार पी के प्लेस पर अगेन पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस करा लो, और पी का वैल्यू क्या है 98। देन स्टार 98 का वैल्यू क्या है, स्टार 98 लोकेशन में क्या स्टोर है 100, और वी कैन से स्टार पी का वैल्यू क्या है 100, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार 100। फाइनली स्टार स्टार पी किसके इक्विवेलेंट है, स्टार 100 के इक्विवेलेंट, तो इसका अदर नेम क्या हो जाएगा, स्टार स्टार पी, मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंटर। फाइनली जैसे फू फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फू फंक्शन के अंदर सिंपली इसके इसमें जस्ट वेरिएबल जे क्रिएट हुआ, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट जे का वैल्यू क्या आसान हुआ 2। नेक्स्ट टाइम स्टार पी में क्या आसान हो रहा है, एड्रेस ऑफ जे, डायग्राम के अंदर जे का एड्रेस क्या है जस्ट 94, देन स्टार पी इक्वल्स टू 94। स्टार पी को इस लोकेशन का नाम, स्टार पी मीन्स दैट प्लेस, इस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा 94, ओल्ड वैल्यू क्या इसका 100, न्यू एड्रेस क्या आसान होगा इसमें एज ए 94। देन ए पी आई को छोड़ के किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस केस में जब आई का एड्रेस था देन आई पॉइंट हो रहा था, अब इसके पास एड्रेस किसका है, आई का और जे का, जे का एड्रेस, इसलिए जे का नेम क्या क्रिएट हुआ, स्टार पी एंड ऑल्सो इस पी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, स्टार स्टार पी। नेक्स्ट वन डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू ऑफ स्टार स्टार पी, स्टार स्टार पी का वैल्यू करंटली क्या, सो स्टार स्टार पी नथिंग बट इट इज अ
सिंपली जे, और जे का वैल्यू क्या है टू, इसलिए प्रिंट क्या हो जाएगा टू। उसका कंट्रोल का नया रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस, जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर सेंड हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन फॉर ऑल लोकल वेरिएबल ऑफ द फू फंक्शन। क्लियर, इसे लोकेशन डी एलोकेट हो चुका है। लेकिन चेक करो इस केस में डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ स्टार पी, स्टार पी के केसेस में स्टार पी करेंटली किस लोकेशन का नेम है, पी में क्या है 94, तो स्टार पी किस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस 94 है। लेकिन ये 94 लोकेशन कैसा हो चुका है अनरिजर्व्ड प्लेस, मीन्स पी किसी नॉन लोकेशन को पॉइंट करा है और अनरिजर्व्ड प्लेस को पॉइंट करा है, अनरिजर्व्ड ना पी बिकम्स डैंगलिंग। इसलिए इस केस में क्या आएगा सम रन टाइम एरर, मे बी सेगमेंटेशन फॉल्ट और मे बी वैलिड आउटपुट, मीन्स डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर टू कंपाइलर। मीन्स फाइनली इस केस में आप कंसिडर करोगे एज अ अननोन और गार्बेज वैल्यू और मे बी सम रन टाइम एरर।